दिन कुछ वो इतने खराब निकलते हैं कि मतलब आज का दिन ही खराब था कहना चाहिए। हाँ जी, तो आज सुबह की शुरुआत हुई है गर्मा गर्म आलू पोहे के साथ। नाश्ते में आलू पोहा बनाया था, उसके बाद मैं लौकी कट करने के लिए बैठ गई क्योंकि आज लौकी की सब्जी बनेगी और किचन में चलेगी क्योंकि स्वीटू नाश्ता करेंगे, लंच लेकर जाएंगे। यहाँ पे रोटियाँ बन रही है, एक तरफ सब्जी भी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए, अरहर की दाल बनाई है, रोटी बनाई है, लौकी की सब्जी, चावल नहीं बनाए आज। कभी कभी होता है ना कि आज रोटी खाने का मन था, जैसे ही ऑयल गर्म करने रखा था, 1 टेबल स्पून ऑयल था, जीरा डाल दिया था, गर्म हो गया तो जीरा चिटक गया, तो 8-10 लहसुन की करियाँ चॉप करी थी वो डाल दी, 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप किए थे वो डाल दिए, प्याज पिंकिश हो गए तो 3 टमाटर चॉप किए थे वो डाल दिए, फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 से 2.5 पिंच जीरा पाउडर भी ऐड किया था इसमें मैंने। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और प्रेस कर करके रख करूंगी ताकि टमाटर ना पूरे गल जाएं, क्योंकि स्वीटू को लौकी की सब्जी में खड़े टमाटर पसंद नहीं है, मतलब टमाटर का टेस्ट पूरा चाहिए उन्हें बट दबे हुए होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ की लौकी कट करके रखी थी वॉश करके, वो इसमें ऐड कर दी। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इस पे कवर लगा के मतलब प्लेट रख के चलाते रहूँगी, बीच बीच में चलाते भी जाना है, सब्ज़ी पक जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी कुक हो गई, इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर दिया है, बस धनिया को 5 मिनट गैस को फुल फ्लेम पे करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि फ्लेवर चढ़ जाए, तो सिंपल सी सब्ज़ी रेडी है। वैसे तो हमारा चना लौकी ज़्यादा बनती है चना दाल के साथ, बट आज प्लेन लौकी बनी है। हे गाइस, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे खैरियत से, हम भी यहाँ पर सेफ है। वैसे तो मैं बहुत अच्छे मूड में तैयार होकर मतलब ना कर आई, फिर सोचा कि चलो कैमरा उठाते हैं, आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। व्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, बट ज़्यादा क्लिप नहीं शूट की थी, और जैसे ही मोबाइल हाथ में मैंने लिया तो एक बहुत ही सैड न्यूज़ मैंने देखी, तो आई और मैंने जैसे ही कैमरा उठाया कि चलो आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करती, तो उस समय तक मैं नहीं जानती थी, स्वीट ऑफिस जा चुके हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं, और मैं नहीं जानती थी कि मतलब सिद्धार्थ शुक्ला जी नहीं रहे, मेरे फेवरेट एक्टर है। ऑफकोर्स आप में से भी बहुत क्या बहुत ज़्यादा लोगों के फेवरेट होंगे वो, और मतलब पहले तो मेरे को बिलीव नहीं होता ना, कई बार कुछ लोग प्रैंक कर देते हैं जो, तो फिर मैंने तुरंत मतलब मोबाइल पे सर्च करना शुरू किया स्टार्टिंग में टुडेज़ न्यूज़ करके कि क्या ये सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में क्या न्यूज़ है ये वो, तो इतनी सारी लाइन से मतलब न्यूज़ है कि अभी वो कूपर हॉस्पिटल में उनके पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया है, उतना हट्टा कट्टा बंदा, कैन यू बिलीव इट, कि मतलब उतना हट्टा कट्टा बंदा, मतलब जिनको कोई भी मेडिकल इश्यूज ना हो और अपनी हेल्थ के लिए इतने कॉन्शियस, मतलब इतना प्रॉपर अपनी हेल्थ को मेंटेन करके, उनके फिजिक भी इतनी स्ट्रांग, तो सॉरी तो बिलीव नहीं होता कि मतलब नहीं रहे, मतलब उनकी फादर भी मतलब वो छोटे थे तब नहीं रहे थे, उनकी मम्मा ने उनको बड़ा किया, जो न्यूज़ से पता चला मैं वही बता रही हूँ, मैं पर्सनली नहीं जानती, मैं सिर्फ एक फ़ैन हूँ, और वो भी 40 साल के थे, 40 साल की एज में चले गए, तो उनकी मम्मा के लिए तो मतलब एक हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे बैठ के सिर्फ एक बात बना सकती हूँ कि आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बट उस सिचुएशन को ना मैं समझ सकती हूँ ना कोई समझ सकता है, वो सिर्फ उनकी मम्मा ही समझ सकती है जिनका बेटा गया है। हम समझ भी सकते हैं तो उस हद तक हम वो फील नहीं कर सकते कि मतलब जो उन्होंने खोया है, पहले हस्बैंड को खो देना, फिर बच्चे को खो देना, अपने बच्चा कितना भी बड़ा माँ के लिए तो बच्चा ही होता है ना, और उनकी तो मतलब सारी फैमिली उनका बेटा ही था, उनकी सिस्टर भी हैं, बट एक मतलब कहना चाहिए कि सिस्टर ने भी भाई खोया, माँ ने बेटा खोया, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मतलब बिलीव नहीं होता कि ऐसा हो गया। मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने 5-6 बार सर्च किया दोबारा अलग 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 सोशल उस पर जाके कि क्या पता, मे भी कई बार होता है ना फॉल्स न्यूज़ आ जाती हैं, नहीं 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 होगा नहीं होगा, और लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस में मतलब RIP सिद्धार्थ शुक्ला करके डलने लगा, नहीं है ऐसा कैसे यार, मतलब फिर सर्च किया तो देखा तो लाइन से जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं सारे इंडियन न्यूज़ चैनल पे वो ही चल रही है, किसी पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, किसी पे मतलब न्यूज़ चल रही है कि वो नहीं रहे, कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, रात में उन्होंने कोई मेडिसिन ली थी उसको खा के वो सोए, सुबह जब देखा तो वो उठे ही नहीं, हॉस्पिटल लेके गए उनको तो डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि मतलब ही इज़ नो मोर, तो जो हुआ बहुत 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 ज़्यादा बुरा हुआ, मतलब पता है मैं क्या सोच रही थी सच्ची बताऊं तो अभी तो OTT पे आ रहा है बिग बॉस, बट टेलीविज़न पे TV पे भी तो आएगा ही ना, तो मैंने जब वो तो बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, बिग बॉस आएगा तो होता है ना कि पुराने जितने भी हो बीच बीच में उनका अपीयरेंस दिखाया जाता है,
मेरा तो फेवरेट है, तो मैं सोच रही थी कि इनका भी अपीयरेंस तो डेफिनेटली दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि दिखाया ही जाता है, मतलब आज तक जैसा बिग बॉस में होता है कि जितने भी पुराने विनर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, कंटेस्टेंट्स रहे हैं, उनको दिखाया जाता है उनका अपीयरेंस बीच बीच में, तो मुझे लगा ये भी तो मतलब दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो मैं बड़ा मतलब बिग बॉस का तो वेट कर ही रही हूँ कि ओटीटी पे तो आ ही रहा है, बट जब टीवी पे देखने का अलग वो होता है। लेकिन उस टाइम पे मतलब मेरे मन की ये थिंकिंग थी कि तब सिद्धार्थ शुक्ला भी आएंगे, तो चलो एक होता है ना, मतलब देखा जाए तो उस बंदे ने कितनी मेहनत से कितनी तरक्की हासिल करी, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, एक मिडिल क्लास फैमिली का नॉर्मल सा बंदा बच्चा, मतलब बड़े होकर मॉडलिंग करी, उसमें भी बहुत कुछ अचीव किया, फिर सीरियल्स में काम किया, बॉलीवुड डेब्यू भी किया, हम टी शर्मा की दुल्हनिया में आप लोगों ने देखा होगा, तो काफी कुछ किया और अच्छी खासी सक्सेस, नेम फेम, करोड़ों दिलों पर राज करने वाला वो लड़का आज नहीं है हमारे बीच। तो किसी की लाइफ का कुछ पता नहीं होता जी, मतलब कोई सोच, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कल तक कि मतलब सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहेगा। मैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी उनको फॉलो करती हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला जी को, और उस पर भी फॉलो करती हूँ, तो मतलब कल तक कौन सोच सकता था ना कि नहीं रहेगा। अभी लास्ट उनका वीडियो वायरल हो रहा था जब उनकी मम्मा एयरपोर्ट पे थी, आई थिंक कहीं से आई आई थी शायद, ठीक से मुझे भी नहीं पता है, बट एयरपोर्ट का ही वो वीडियो था, वो लास्ट वीडियो था जो उनका मैंने देखा था कि लेने गए थे, और मीडिया पर्सन्स ने वो क्लिप बनाई और न्यूज़ पे आ गई। वैसे भी सेलिब्रिटीज़ का तो कुछ नहीं छुपता ना, वो कहीं पे भी जाए आए तो न्यूज़ पे आ ही जाते हैं, तो वो वीडियो देखा था मैंने लास्ट, अभी शायद 2-3 दिन पहले ही देखा होगा या 4 दिन पहले। हाँ सॉरी, खांसी अभी भी पूरी ठीक नहीं हुई, और ज़्यादा देर बात कर लूँ ना तो वो रेगुलर रेगुलर खांसी आने लगती है। तो फिर जब वो सब देखने के बाद ना मेरा मन नहीं किया कि मैं आज ऐसे कुछ व्लॉग शूट करूँ, देखूंगी लगेगा तो शाम को शूट करूंगी, क्योंकि एक होता है ना आप सडनली ऐसा कुछ सुन लो तो नहीं दिमाग काम करता। और जब हम रॉयल पाम में रहते थे ना, रॉयल पाम बेसिकली मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में रॉयल पाम एक एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, तो हमारी जो मल्टी थी रूबी वो रॉयल पाम के अंदर ही थी, आरे कॉलोनी, आरे कॉलोनी, आरे फॉर्म फेमस है, आरे डेयरी का दूध, मतलब जो भी लोग मुंबई आसपास के एरिए के हैं वो अच्छे से जानते हैं, आरे का दूध बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है आरे डेयरी का, और उसके आरे कॉलोनी से ही होके जाना पड़ता था रॉयल पाम जहाँ पे हम रहते थे। और रॉयल पाम से जब आप निकलो तो दो रास्ते कटते थे गोरेगांव में अंदर, मतलब मेन अंदर एंटर होने के लिए, क्योंकि इधर तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। एक था मद्रासी पाड़ा करके गली है, वहाँ पूरे मद्रासीज रहते हैं, वो गली कटती सीधे फिल्म सिटी के अंदर, तो उस गली से ना आप फिल्म सिटी के अंदर होते हुए बाहर निकल सकते हो, आप इस तरफ नहीं टर्न कर सकते, फिल्म सिटी का जो पूरा अंदर का एरिया है आप वहां नहीं जा सकते, लेकिन उस गली से आपको 5-6 सेट्स दिख जाते हैं, जो फ्रंट फ्रंट के तरफ जो सेट्स लगे होते हैं दिख जाते हैं आपको रोड से, क्योंकि दोनों तरफ सेट्स होते हैं, और आप बीच रोड से मद्रासी पाड़ा का ऐसा वो है और ऐसे निकल के जाते हो, जैसे आपको कैसे समझाओ जो पद्मावती मूवी बनी थी ना, पद्मावती का सेट था या बाजीराव का था, नहीं, बाजीराव का था आई थिंक, हाँ बाजीराव का जो सेट था ना वो जिस ग्राउंड पे लगा हुआ था, मतलब मद्रासी पाड़ा की रोड आती है फिर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जो फिल्म सिटी के अंदर आता है, बट मद्रासी पाड़ा को पैक नहीं किया गया, लोगों की सहूलियत के लिए वो वहां से आ जा सकते हैं, प्रॉपर आर्मी भी बैठे, मतलब कई आर्मी पर्सन होते हैं, पुलिस भी होती है मुंबई पुलिस, आप वहां से निकल सकते हो कोई इशू नहीं, बट आप अंदर नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। तो फिल्म सिटी तो मैंने सारी घूमी है बाय बस, बट ऐसे हम लोग को मार्केट जाना होता था तो फिर हमको वही पास पड़ता था, तो हम लोग सीधे मदरसे पड़ा से फिल्म सिटी के अंदर एंटर होते हुए निकलते थे, तो तब मैंने 5 से 6 बार वहां पे कोई सेट था तब वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था, मतलब हम बाय बाय बाइक थे और वो सेट से कभी निकलते हुए अपनी कार में बैठ रहे हैं या कभी वैनिटी के सामने खड़े हुए हैं, और एक बार मैंने उनको देखा था कपिल शर्मा जी के साथ, तो तब मैंने कपिल शर्मा को भी फर्स्ट टाइम देखा था, सिद्धार्थ शुक्ला जी को भी फर्स्ट टाइम, वो दोनों खड़े हुए थे, एक बाइक खड़ी थी एक कार खड़ी थी, तो मतलब जिस भी पर्पज से शूटिंग के पर्पज से आए होंगे डेफिनेटली, तो वहां से निकलते समय हमको कई लोग देखने मिलते थे, बहुत से स्टार्स देखने मिलते थे, टाइगर श्रॉफ को भी वहीं पे देखा था। तो बस अब बात करते करते कहाँ पहुंच गई मैं, बट एक याद रह जाती ना कि हाँ मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को उस समय वहां पे देखा था, तो बस 5-6 बार वहीं देखा है उस पॉइंट पे, फिर उसके बाद मेन गेट से हम बाहर आ जाते थे, प्रॉपर पुलिस चेकिंग होती है वहां पे कि आप कहाँ जा रहे हो क्या जा रहे हो, आपको बताना पड़ता है कि आप इधर जा रहे हो, बाकी आप अंदर नहीं जा सकते, अगर आपको मद्रासी पड़ा होते हुए जाना है तो आप उधर से ही जाओगे, अंदर की परमिशन नहीं मिलती है।
वही बातों बातों में बातें निकल जाती ना, इंसान नहीं रहा बट हाँ, मतलब मेरे लिए तो हमेशा ये रहेगा कि मेरे को, मैं उनको बहुत पसंद करती थी, मेरे फेवरेट एक्टर में से एक थे और मैंने उनको वहाँ देखा था, तो वो मुझे हमेशा रिकॉल होगा कि जब भी कभी अगर मुंबई भी जाऊँगी और वो तो हाँ मैंने यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था। एक वो आप लोग के साथ भी होता होगा कि मतलब बंदा छोटी छोटी खुशियों में बहुत जल्दी खुश हो जाता है, और आज तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि वो इंसान नहीं रहा, तो बस वो जहाँ भी रहे रेस्ट इन पीस। और क्या बोल सकती हूँ, मुझे ना ऐसे इसमें मेरे सच्ची बोलूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं होता मुझसे कि मतलब क्या बोलूँ, मेरे को मेरे अंदर उतना वो मतलब नहीं है कि क्या बोलना चाहिए ऐसे टाइम पे। बस मैं यही बोलूँगी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुखद घड़ी से लड़ने की ताकत दे, उनकी मम्मा को, उनके मम्मा की भी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि उनका तो रो रो के बुरा हाल होगा इस टाइम पे। वो मतलब एक किसी भी माँ को कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े भाई, मतलब बहुत ही बुरा हुआ, जो हुआ बहुत 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 ज्यादा बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। 40 साल का तो बंदा था यार, अभी तो मतलब देखा ही क्या था उस इंसान ने। आजकल तो 40 से 45 की एज में लोग शादियां करते हैं जब करियर वरियर के चक्कर में, उस टाइम पे तो आजकल लोग नॉर्मली शादियां करते हैं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी मतलब, और बहुत कुछ अचीव कर लिया था, बाकी बहुत कुछ अचीव करना बाकी था, कई प्रोजेक्ट्स उनके पाइपलाइन में थे, जैसा कि न्यूज़ में दिखा रहा है। मैं सारा जो मैंने न्यूज़ में देखा है वही बोल रही हूँ, मैं फिर से कहूंगी कि कोई भी इसको किसी से बात से ना जोड़े, मैं उनकी सिर्फ एक फैन हूँ, तो मैंने शेयर की अपनी फीलिंग्स उनके लिए कि नहीं रहे तो सुन के अच्छा नहीं लगा, और मैं जितना भी कुछ बोल रही हूँ वो नहीं रहे कोपर हॉस्पिटल वाली सारी चीजें ये मैंने खुद न्यूज चैनल्स पे देखा है, आप सब भी जाके देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देखा है, और मैं देख कर ही बोल रही हूँ, मैं पर्सनल ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ। तो बस मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ व्लॉग को ज्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं पे एंड कर देती हूँ, कि कभी कभी होता है ना कुछ दिन कुछ वो इतने खराब निकलते हैं कि मतलब आज का दिन ही खराब था कहना चाहिए कि वो बंदा नहीं रहा, तो मतलब क्या बोलूँ शब्द नहीं। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, क्योंकि अच्छे से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना लाइफ नहीं रुकती है, तो हर दिन जो होगा अच्छा ही होगा यही सोच के चलते हैं हम। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अच्छे से व्लॉग के साथ, और आज का व्लॉग तो नहीं था, बस ये फीलिंग्स थी और बातें थी और न्यूज़ थी जो आपसे शेयर कर दी। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं, और बस। तो फिर जय माता दी, रब राखा जी, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और बस रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, यही बोलना चाहूँगी। ओम शांति, हरि ओम।